हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। दंत नाश से मुक्त किया मुझे, अनंत नाश से मुक्त किया मुझे, एक ही रक्षक यीशु के द्वारा, दुनिया के रक्षक यीशु के द्वारा। तेरी इच्छा कर, तेरे जैसा बनूं, तेरी इच्छा कर, तेरे जैसा बनूं, खुद को देता तेरे हाथों, खुशी से देता संपूर्ण जैसे। आज का संदेश प्रभु के दास यानी रघु सोरठ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सुसमाचार को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इस सुबह के समय हम प्रभु के वचन से लूका सुसमाचार अध्याय 1 कलम 13 से कुछ पदों को पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। दाखरस और मदिरा कभी न पिएंगे और अपनी मादा के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, और इसराइल में से बहुत तारों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों के मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष प्रभु दे। प्यारो, इस सुंदर वेदांश में एक महान सच्चाई सुबह हमारे अध्ययन में लाने के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में क्या श्रेष्ठ है, क्या उत्तम है। एक परिवार इसराइल में परमेश्वर के सामने धार्मिकता और पवित्रता से अपना जीवन बिताया। सकरिया और एलीशबत दोनों प्रभु के नज़र में धर्मी लोग थे और प्रभु उनके जीवन में ऐसा आशीष ना दिया कि एक संतान को देखे, लेकिन परमेश्वर के व्यवस्था से कभी पीछे ना हटा, अपने जीवन प्रभु के सामने समर्पित करके विश्वास में अपने जीवन बिताते थे। परमेश्वर के लोगों की सेवा कभी नहीं छोड़ा और दोनों परमेश्वर के पद में अपने पैर रखते थे। यहाँ हम पढ़ते हैं कि सकरिया अपने रीति के अनुसार, अपने क्रम के अनुसार जो सेवा के लिए मंदिर में धूप दिखाते थे, इस समय लोग बाहर प्रार्थना करते थे और इस समय परमेश्वर के दूत दिया गया संदेश हमने अभी पढ़ा। परमेश्वर के दूत की अर्थ यह है, तेरा प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा। बहुत विपरीत विचार मन में आ सकते हैं। बहुत बार हम भी ऐसे है
कई विषयों पर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही मन में ऐसे विचार है कि ये होने वाला नहीं है, ये नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना के नाम में प्रार्थना करते हैं। शायद सक्रिया के मन में भी ये बहुत सोचा, अपने जीवन की ओर देखा, अपने शरीर की ओर देखा और एलिसबेथ के अवस्था को देखा, तो इस तरह के एक आशीष के लिए कभी अपने शारीरिक तौर पर समय पूरा हुआ है, परंतु परमेश्वर के समय पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर इन प्यारे परिवार को आशीष देने के लिए अभी आए हैं। मुझको बहुत आनंद दिया इस पद कि पिता से कहते तेरे लिए एक संतान मिलेंगे, और तेरे हृदय में बहुत आनंद और हर्ष होगा। प्यारो, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की इतिहास पड़ेगा तो कोई भी पिता या माँ ऐसे एक बच्चे के जीवन के अंत देखकर ऐसा नहीं कहेगा कि उनके जीवन को हर्ष और आनंद दिया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना परमेश्वर के उपस्थिति में धार्मिकता की जीवन, सच्चाई का जीवन कभी मनुष्यों को प्रसन्न नहीं किया, ऐसे एक जीवन जिया, इसकी वजह से वो शहीद होना पड़ा, अपने सिर को हुरूद राजा काटा। लेकिन परमेश्वर के दूत यहाँ कहते हैं, उसके पिता को कहते हैं, तेरा हृदय में बहुत आनंद और हर्ष होगा, और तो उसका नाम यूहन्ना रखना, उसका अर्थ यह है परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान। और इनका काम ऐसे है कि बहुत तारों को पिता परमेश्वर की ओर फेरेंगे, बहुत लोगों को तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए, एक बड़ा प्रजा को तैयार करेंगे। क्या ही सेवा है प्रियो, प्रिय यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर को यही पसंद है, यही प्रसन्नता है। हमारा जीवन में क्या हम हासिल किया, दुनिया में क्या स्थान मान धन मिला, इसके अनुसार नहीं, क्या हम परमेश्वर के लिए उपयोग में आया और किस रीति से हमारे जीवन परमेश्वर के प्रति उपयोग लाने के लिए काम में आया, वो परमेश्वर वही देखते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपने जीवन बिताया। प्यारो, हम अपने परिवारों में अपने बच्चों के विषय में सोचेगा तो हम उनको इस जगत की कुछ स्थान पर लाने के लिए कोशिश करते हैं, और इस धरती के ऊपर कुछ धन दौलत और विद्या और इस प्रकार की भौमिक कार्य पर हमारे बच्चों को सुस्थिर करने के लिए हम चाहते हैं, और उससे हमारा मन आनंद और हर्षित होते हैं। यहाँ परमेश्वर के दूतों की कहना है, तेरे संतान यूहन्ना के द्वारा तेरा हृदय आनंद और हर्ष होगा, और उसके कारण बहुत आनंदित होगा। उसका एक मात्र कारण है वो परमेश्वर के लिए उत्तम गवाह के रूप में यीशु मसीह के आगे आगे चला और अपने युवानी अवस्था प्रभु के लिए समर्पित किया, एक बलिदान के रूप में अपने जीवन को शहीद होकर प्रभु की सच्चाई के लिए जिया। आई आने वाले समय में हम भी उस आत्मा के अनुसार एलिया को मिला, उस दृढ़ धैर्य के साथ प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। वही आशीष का पात्र है, और परमेश्वर के दृष्टि में हम बढ़ते, परमेश्वर के दृष्टि में महान होगा। प्रभु सहायता करे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की।